भारत में रोज मिलने वाले कोरोना के मामलों का आंकड़ा भले ही 10,000 के पार पहुंच गया है, लेकिन भारत में अब कोरोना का अंतिम दौर चल रहा है। अगले 10 से 12 दिनों तक अभी और केस बढ़ेंगे, फिर उसके बाद कम होने लगेंगे। वर्तमान में भले ही मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अस्पताल में एडमिट मरीजों की संख्या कम है। आगे भी ऐसा होने की उम्मीद है। न्यूज एजेंसी PTI के आधिकारिक सूत्रों से बुधवार को ये जानकारी मिली है। जानकारी के मुताबिक अभी कोविड मामलों में जो वृद्धि हो रही है वो XBB.1.16 के कारण हो रही है, जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। इस साल फरवरी में XBB.1.16 के केस 21.6% थे, जो अब मार्च में बढ़कर 35.8% हो गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में 7 महीने 20 दिन बाद कोरोना के नए केस 10,000 के पार पहुँच गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,158 नए केस सामने आए हैं। इससे पहले 24 अगस्त को 10,725 मामले आए थे। ये लगातार दूसरा दिन है जब नए केस में 2,000 से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। सोमवार को 5,676 मामले सामने आए थे, जबकि मंगलवार को 7,830 नए केस सामने आए थे। आज आए केस के साथ ही देश में एक्टिव मामले 44,998 हुए हैं। इससे पहले 10 सितंबर 2022 को 45,365 एक्टिव केस थे। सबसे ज़्यादा केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मामले मिल रहे हैं। इन 5 राज्यों में देश के कुल मामलों के 60% मामले सामने आए हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहां बुधवार को 1,115 नए केस सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 9 लोगों की मौत हो गई है। मंगलवार को यहां 919 नए केस मिले थे। यहां पॉजिटिविटी रेट 6.78% है और 5,421 एक्टिव केस हैं। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।